हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। सो हियर प्रिपेयर द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल और ड्रॉ अ जाइव कर्व फॉर दैट लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कंप्लीट हो चुका है हमारा वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप वो लिंक क्लिक कर वो देख सकते हैं वीडियो। आज हम करने वाले हैं मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ड्रॉ द ओजीव कर्व फॉर दिस डेटा। सो ये हम लोग आज करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेस देन टाइप और मोर देन टाइप कॉमन है स्टैटिस्टिक्स में, बहुत बार पूछ चुका है ये एग्जाम्स में क्वेश्चन। तो लिटरेसी रेट यहाँ पर गिवन है ये क्वेश्चन में। पहले आप गिवन डेटा देख लें कि लिटरेसी रेट गिवन है, लिटरेसी रेट परसेंटेज और नंबर ऑफ सीरीज। इसको मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करने के लिए। सो पहले लिटरेसी रेट क्या है आपके पास, 40 to 50 है। 40 to 50 ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप में वैल्यूज है, उसको क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। तो 40 to 50, 50 to 60 ये क्लास इंटरवल्स है। तो आप इसको रीड कैसे करेंगे, मोर देन 40 लेस देन 50 ऐसे रीड करेंगे। ये सारे क्लास इंटरवल्स है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ सीरीज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 40 to 50 लिटरेसी रेट। नंबर ऑफ सीरीज़ कितने सीरीज़ आते हैं, 3। तो 11, 10, 8 ये सारे फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ पर मोर देन में कन्वर्ट करना है। तो 40 to 50 को आप कैसे रेट कर सकते हैं, इसको आप कैसे रेट कर सकते हैं, 40 to 50 क्लास इंटरवल है, मोर देन 40 लेस देन 50 लाइक दिस यू कैन रीड इट। ओके, मोर देन 40 और लेस देन 50, सो फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो इसमें आपको मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है, लेस देन टाइप में नहीं। तो मोर देन 40 मीन लोअर बाउंड्री लेना है इसमें। लोअर बाउंड्री वो है 40, 50, 60, 70, 80, ये लोअर बाउंड्रीज है। सो इससे आप मोर देन टाइप में कन्वर्ट कर दे सकते हैं। अब जो है नंबर ऑफ सीरीज़, नंबर ऑफ सीरीज़ क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। तो यहाँ पर मैंने दो कॉलम्स बना दिए हैं, लिटरेसी रेट स्टेट, जैसा सेम क्वेश्चन में से देख कर। नंबर ऑफ सीरीज़ जो फ्रीक्वेंसीज है। सो लिटरेसी रेट को आपको मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्लास इंटरवल्स को मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको लोअर बाउंड्रीज लिखना है, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80, लाइक दिस यू हैव टू राइट। सो मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को ऐसा करना है। तो पहले हम ये कॉलम फिल कर देते हैं। फर्स्ट टू कॉलम्स तो लिटरेसी रेट, नंबर ऑफ सीरीज सेम क्वेश्चन में से कॉपी किया है। अब यहाँ पर मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए लोअर बाउंड्रीज लिख रहे हैं। लोअर बाउंड्रीज है मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80। ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्या है, आपको मोर देन टाइप में 40 लेना था, इसलिए हम लोग ने 40 ले लिया है। अब मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना है हमें। अब क्लास इंटरवल्स को तो हमने चेंज कर दिया है लोअर बाउंड्री लोअर बाउंड्री में। अब आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टर्न, जिसमें आपको 40, यहाँ पर 40 से क्लास इंटरवल सारे बड़े हैं 40 से, यानी कि सारे फ्रीक्वेंसीज ऐड करने पड़ेंगे, 3 से लेके 11, 10, 8 प्लस 3, ये सारे फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी ये सारे फ्रीक्वेंसीज कितने फ्रीक्वेंसीज 35, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 35, ये सारे 40 से बड़े हैं। तो इसको हमने 35 यहाँ पर लिख देना है। अब 50, अब यहाँ पर मोर देन 50 है, तो 50 से बड़े कौन से वैल्यूज है, ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू छोड़ के बाकी सब बड़े हैं, तो ये सबको ऐड करना है। यानी कि अब 35 तो अपना टोटल है, उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 32 आ जाएगा। अब अगर आप चाहें तो लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया 3 ऐसा लिख के, उसके बाद ऐड करके नीचे से भी जा सकते हैं, बट मैंने ऊपर से स्टार्ट कर दिया है तो ऊपर से ही जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब 32 है, माइनस 10 करना है ऊपर की वैल्यूज़। अब हमें 11 माइनस करना है, इसमें से 11 माइनस करना है तो हो जाएगा 21। अब 21 माइनस 10 करना है, 21 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 11। अब 11 माइनस 8 क्या होगा, 3। तो ये वैल्यूज़ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इसके पॉइंट्स लेना है। हो गया, फ्रीक्वेंसीज को मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया और लिटरेसी रेट को क्लास इंटरवल्स को मोर देन में कन्वर्ट किया। अब पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स हो जाता है 40, 35, ये जो कन्वर्ट किया है हमने वैल्यूज वही दो ले रहे हैं, 40, 35, 50, 32, 60, 21, 70, 11 एंड 80, 3। ये वैल्यूज लिखने के बाद आपको प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग करने के लिए एक्स एक्सिस जो
जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो ओरिजिन है। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेम यहाँ पर स्पेसिंग दे देते हैं, मार्क करते हैं पॉइंट्स, आप लोग ग्राफ में इजीली 1-1 सेंटीमीटर रहता है वहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वैल्यूज़ देखें, एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स की वैल्यू आना है, यानी कि लोअर बाउंड्री, लोअर हमने क्लास इंटरवल से लोअर बाउंड्रीज फाइंड किया था। सो एक्स कॉमा वाई ये पॉइंट जो है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में रहेंगे, एक्स एक्सिस पे 40 रहेंगे और वाई एक्सिस पे 32। तो यहाँ पर मोर देन आप देख सकते हैं कि मोर देन ले लिया है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लिया है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहले एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स लिटरेसी रेट आएंगे जो लोअर बाउंड्री है, यहाँ पर देख सकते हैं लिटरेसी रेट लोअर बाउंड्री यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लेना है हमें। अब वाई एक्सिस पे क्या लेंगे आप, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे लेना है, ये ब्रैकेट में लिखकर आप नंबर ऑफ सीरीज लिख सकते हैं। अब जो है एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ क्या लें, 10 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्पेस कम है, अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो मेरे को स्पेस ज़्यादा लगेगी जो मेरे पास नहीं है, 5 भी लेंगे तो आपको ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40 सो ऑन अप टू 80 तक ले लिए। अब स्केल लिखते हैं, तो अब यहाँ पर स्केल लिखते हैं ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर जो ग्राफ में फर्स्ट बॉक्स था उसको हमने कितने यूनिट्स लिया, 10 यूनिट्स लिया हमने, 10 यूनिट्स हमने लिख लिया। अब उसके बाद ऑन वाई एक्सिस पे कितना है, 1 सेंटीमीटर कितना लिया अभी हमें लेना है वो। अब इसके वैल्यूज़ देखते हैं, अगर वैल्यूज़ बड़े हैं तो बड़े नंबर्स लेंगे, अगर छोटे हैं तो छोटे, ये वैल्यूज़ छोटे हैं यानी कि 5 का डिफरेंस ले सकते हैं, 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये हो गया। अब 40, 45 प्लॉटिंग कर लेते हैं, प्लॉटिंग करने के लिए पहले अब यहाँ पर पहले स्केल में लिख देते हैं, 5 यूनिट्स लिया हमने 1 सेंटीमीटर का ऑन वाई एक्सिस, तो अब वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है 40, 35, 40 एक्स एक्सिस पे देखा हमने, 35 वाई एक्सिस पे, 40, 35। अब एक्स एक्सिस पे 50, 32, एक्स एक्सिस पे 50, 32 वाई एक्सिस पे यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर आप थोड़ा मार्क कर लें। ग्राफ पे आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर प्लेन पेपर है इसलिए थोड़ा सा 60, 21। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा 70, 11, 70, 11, 70 से स्टार्ट करते हैं, 11 देन लास्ट वन 80, 3, इसको आपको ज्वाइन करना है क्योंकि स्केल से नहीं ड्रॉ करना है आपको, कर्व है तो सिर्फ फ्री हैंड। सो दिस वी गॉट आवर ओजाइव कर्व फॉर मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके ओजाइव कर्व, हियर यू कैन सी।